खबर आपको बता दें, आज साफ सरकार का राजनीतिक तिलक होगा, साय सरकार का राजनीतिक तिलक होने जा रहा है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विष्णुदेव साय आज सीएम पद की शपथ लेंगे। आज साय सरकार का राजतिलक होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा इस पल के गवाह बनेंगे। और मध्यप्रदेश से भी बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर मोहन यादव मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उनके साथ दो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को भी पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल मंगूभाई छगन पटेल के द्वारा दिलाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम बने राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री, तीनों ने ही पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है और कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ इन तीनों को दिलाई है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि पहले यह माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, इसके साथ जो मंत्रिमंडल है उसकी तस्वीर कुछ हद तक साफ हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ कयास थे। इस बार भी ये सिर्फ कयास थे और बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह का संपन्न किया गया है। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मंच पर मौजूद होने के लिए पहुंचे थे और अब मंच से रवाना हो चुके हैं। भोपाल में तमाम दिग्गजों का जमावड़ा है और अब छत्तीसगढ़ का ये रुख करेंगे। तो मध्यप्रदेश की ताजा तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई टीवी 24 पर, किस तरह से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्वकर्ता राजधानी भोपाल पहुंचा, भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे और उसके बाद राज्यपाल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और सभी दिग्गजों की रवानगी अब हो चुकी है मंच से। और खबर है कि छत्तीसगढ़ की ओर प्रस्थान करेंगे सभी बड़े नेता और यहां विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो मध्यप्रदेश की नवनिर्वाचित सरकार का राजतिलक हो चुका है, डॉक्टर मोहन यादव के सर पर अब मुख्यमंत्री का ताज सज चुका है। दो दिन पहले विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया था और आज औपचारिक तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल ने ये तमाम विधियां पूरी की मंच पर और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए तमाम बीजेपी के बड़े नेतृत्वकर्ता पहुंचे थे और डॉक्टर मोहन यादव को शपथ ग्रहण समारोह के बाद उन्होंने बधाई दी है। सुशासन का सूर्योदय, जिस तरह से एमपी बीजेपी ने भी ये टैगलाइन दी है कि मध्य प्रदेश में अब नई सरकार के गठन के साथ ही एक नया सवेरा होगा और सरकार ने जिस तरह से सत्ता में दोबारा वापसी करने से पहले तमाम गारंटियां दी थी, पीएम मोदी की गारंटी के आधार पर मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा गया था और काफी लोक लुभावने वादे मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में शामिल किए थे, इन्हें अब धरातल पर लाने का काम नई सरकार के द्वारा शुरू हो जाएगा। और फिलहाल अभी कुछ पड़ाव और हैं जिसमें से कैबिनेट का विस्तार करना, कैबिनेट का गठन करना सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि कैबिनेट में ही ये तमाम बड़े फैसले लिए जाएंगे जिन पर अंतिम मुहर सरकार के मंत्री लगाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मध्यप्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है, उनके साथ ही राज्य के दो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने इन तीनों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी मंच पर मौजूद रहे और सभी ने तीनों नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को बधाई दी है। दो उप मुख्यमंत्री बने हैं सरकार में, एक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। राज्यपाल ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने है, जब मंच पर तमाम दिग्गज मौजूद थे, शपथ ग्रहण समारोह के पहले राष्ट्रगान किया गया और ये तस्वीर तब की जब डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी ओथ ली है, शपथ ली है और राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और इसके पहले मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे थे, डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें रिसीव किया था और केंद्रीय नेतृत्व प्रथम पंक्ति पर बैठा था, इसके बाद राज्य नेतृत्व को जगह दी गई थी और अब शपथ ग्रहण समारोह मध्यप्रदेश की नई सरकार का संपन्न हो चुका है। डॉक्टर मोहन यादव ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, इनके साथ ही दो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा ने भी अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। तो निश्चित तौर पर मध्यप्रदेश सरकार के लिए आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं और शपथ ग्रहण समारोह उसमें एक बड़ा पड़ाव होता है।
लेकिन अनुमान कई थे इस पूरे समारोह को लेकर, क्योंकि पहले तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि जब मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे इसके बाद कैबिनेट की तस्वीर भी साफ हो सकती है। तमाम वो बड़े दिग्गज जो कि सीएम कैंडिडेट्स माने जा रहे थे, मुख्यमंत्री चेहरे की रेस में थे, जो कि पिछड़ गए और अंतिम नाम डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर लगी, तो उन्हें आज एक बड़ा पद यहां पर दिया जा सकता है।